क्या बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के परीक्षार्थियों के साथ सौतेला व्यवहार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में असफल छात्र छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा उत्तीर्ण किया गया। वहीं बिहार सरकार द्वारा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अंतर्गत मध्यमा के असफल परीक्षार्थियों को सफल नहीं किया गया। इस संबंध में शिक्षक रामविलास ईश्वर ने बताया कि 2000 और सन 2021 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अंतर्गत 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में दो विषय के असफल छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आदेश पर सफल किया गया। इसके लिए वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक दुखद बात ये भी है, जिस तरह से बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के परीक्षार्थियों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया है वह काफी निंदनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को दो विषय में असफल रहने के बाद सफल किया गया, उसी तरह से बिहार संस्कृत शिक्षा समिति के छात्र छात्राएं जो दो विषय में असफल हैं उन्हें भी सफल किया जाए। ब्यूरो न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय के बछवारा से दीपक कुमार राय की रिपोर्ट। इस समस्या पर आपका क्या कहना है? बोले अभी 2020 और 21 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में दो विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण घोषित कर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वर्तमान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने छात्र हित में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया है। इस कार्य के लिए मैं उनको कोटि कोटि बार बधाई देता हूँ, कोटि कोटि नमन है मेरा। लेकिन उन्होंने संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मध्यमा में उत्तीर्ण छात्रों के साथ जो सौतेलापन का व्यवहार किया है, मैं कल गया था कंप्यूटर पर, मध्यमा की एक छात्रा अनु कुमारी का मार्क्स निकालने के लिए जो हिंदी में मात्र फेल है उसका फेले निकला, देख के मेरे मन में एक आक्रोश उठा और हमदर्दी जगी। सबसे अधिक शोषित और प्रताड़ित संस्कृत शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उसमें गरीब और दलित छात्र छात्राएं हैं, ये पियर होते हैं। यदि दो वर्षों से 20 और 21 में माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक और इंटर के छात्रों को दो विषय में फेल रहने पर उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो फिर संस्कृत शिक्षा बोर्ड के छात्रों के साथ सौतेलापन का व्यवहार क्यों हुआ? यह मुझे खटक रहा है और मैं प्रश्न करना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से कि उन्होंने इस सौतेलापन व्यवहार को क्यों दर्शाया है। मेरे मन में आक्रोश है। मैं अनु कुमारी नाम की एक गांव की छात्रा के हित को लेकर उनका मार्क्स निकालने कर गया था और मुझे मौलिक अधिकार के तहत माननीय मुख्यमंत्री से यह दुखद प्रस्ताव रखने का मेरा अधिकार है। उस छात्रा का भी अधिकार है जो मध्यमा की परीक्षा में एक विषय में या दो विषय में अनुत्तीर्ण है, उसे भी सफल घोषित करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री को चाहिए कि जो राहत और जो सुविधा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षार्थियों को दिया गया है वह लाभ संस्कृत शिक्षा बोर्ड के परीक्षार्थियों को भी मिले तो मुझे तसल्ली होगी। ऐसे में रामनगर कॉलेज में हिंदी का व्याख्याता था, वहाँ तिरस्कृत मुझे किया गया, सेकंड पोस्ट पर होने के कारण मुझे अनुदान की राशि नहीं मिली, लोगों ने मेरे साथ गलत किया, उझेल रहे हैं। अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ, सेवानिवृत्त हूँ, कुछ नहीं मिला। जिंदगी भर मेरा शोषण हुआ, अंग्रेजों से अधिक जुल्म इस सरकार ने अंग्रेजों से अधिक जुल्म किया। मेरा मन मान रहा है कि इससे अधिक गुलामी की स्थिति ही अच्छी थी, अंग्रेजों का शासन ही अच्छा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत बीत रहे शिक्षा कर्मियों का जो शोषण बिहार सरकार ने की है वह सर्वथा निंदनीय है और बार बार अभी भी निंदनीय कर्म को शिक्षा मंत्री ने दोहराया है। उनको सोचना चाहिए और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए भी वह नियम लागू करना चाहिए जो उन्होंने विद्यालय परीक्षा समिति के लिए किया है।
ऐसा करते हैं तो मेरे हृदय को तसल्ली मिलेगी, नहीं करते हैं तो यह गुनाह है, यह उनका सौतेलापन व्यवहार है, मेरी आत्मा की पुकार है। मैं तो हिंदी का टीचर था, आज भी हूँ, हालांकि कुछ मिला नहीं, मेरे साथ कॉलेज ने शोषण किया और अभी बिहार के संस्कृत शिक्षा बोर्ड के परीक्षार्थियों के साथ शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का शोषण हो रहा है। आपका परिचय? रामविलास ईश्वर, व्याख्याता, पूर्व व्याख्याता, हिंदी विभाग, MRPD कॉलेज, चांदचौर, रामनगर, और निवास स्थल मेरा मरण।